हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हम साथ नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके। क्लास ट्वेल्थ का बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा वेटेज इस चैप्टर को मिलता है। जैसे आपने पहली वीडियोस लाइक शेयर और सब्सक्राइब की है, सबसे पहले इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए करिए। मैं वेट कर रहा हूं। यस, नाउ वी विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ओनली हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। It is different than the covalent bond. In covalent bond, the equal sharing of electrons takes place. A के पास एक इलेक्ट्रॉन है, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये तो हुआ covalent bond. But what happens in dative or coordinate bond? A species which is called ligand having a pair of electron donated in the vacant orbital of metal or its ion. भाई वो कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो उसको लाइगेंड कहते हैं। तो लाइगेंड के पास एक लोन पेयर है कम से कम, और मेटल या मेटल आयन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो लोन पेयर उस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाता है। वी कॉल देम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जहां ये मिलेंगे उन कंपाउंड्स को कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस ओनली हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड रिप्रेजेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट पे रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए कितना रेस्पेक्ट मिला इनको, अलग से बिल्कुल सेपरेट। कॉम्प्लेक्सेस का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये तीन टाइप के हैं, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज न्यूट्रल। कहीं भी कोई सा भी मिल सकता है, कोई सा भी बन सकता है। नेचर ऑफ लाइगेंड पर डिपेंड करेगा, मेटल पर डिपेंड करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल पर डिपेंडेंस होगी। एक टर्म है डबल सॉल्ट, जैसे टाइट्रेशन में हम यूज में लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इट कंटेन टू सॉल्ट्स, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट को वाटर में डाल दें then it will dissociate into its ion. उस water से जिसमें मोहर salt dissociate हुआ है वहां हम Fe+2 का test कर सकते हैं, sulfate का test कर सकते हैं, ammonium ion का कर सकते हैं। That means double salts dissociate in water while complexes do not dissociate in water. Suppose I pour this complex in water, then this complex will not dissociate. We cannot get the test of Fe ion or fluoride ion. उनके टेस्ट हमको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वाटर में एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। अगर लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखे तो लाइगेंड की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की, अ स्पीशी which can donate at least a pair of electron in the vacant orbital of metal or its ion called ligand. Ligands का classification दो तरह से हो सकता है, भूल ले तो नहीं, जरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करिए, जल्दी से करिए, फिर हम classification of ligands देखेंगे। Yes, so the first classification is
ligands may be negatively charged, may be neutral, and may be positively charged. One another classification according to the donor site. अगर केवल एक लोन पेयर का डोनेशन हो रहा हो तो यूनिडेंटेट, दो लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है तो बाइडेंटेट, तीन लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है तो ट्राइडेंटेट, ऐसे ही फोर का हो रहा है तो टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, एंड इन द लास्ट इफ सिक्स लोन पेयर आर डोनेटेड दे विल बी कॉल्ड हेक्साडेंटेड लाइगेंड्स. सबसे पहले हम नेगेटिवली चार्ज यूनिडेंटेड लाइगेंड्स देखेंगे. यूनिडेंटेड मतलब एक लोन पेयर का डोनेशन और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव. चार्ज -1 हो, -2 हो, -3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डोनेशन केवल एक ही लोन पेयर का होगा. नो मैटर व्हाट इज द चार्ज द लाइगेंड है. और इन नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स में सफिक्स आएगा ओ, ओ सफिक्स विल बी देयर. यहां लाइगेंड्स के नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट रखे गए ताकि कंफ्यूजन ना हो. और जब हम इनका नोमेनक्लेचर करें, अगला स्टेप नोमेनक्लेचर का होगा, अगली वीडियो नोमेनक्लेचर की होगी, तो जब हम इनका नोमेनक्लेचर करें तो कंफ्यूजन ना हो, तो इनके नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं, जरा बड़े इंपॉर्टेंट है, उसी से हम नोमेनक्लेचर सीख पाएंगे. सीएल माइनस इज क्लोराइडो, SO4-2 is sulfato, PO4-3 is phosphato, O-2 is oxo. You can see always the suffix O is there. It is not zero, it is O. Mind it, you must learn these charges, these oxidation states. Otherwise, in nomenclature, when we will try to find out the oxidation states of the metal, then we will not be able to do oxidation state पता नहीं चलेगी metal की, तो इनके charges को learn करना जरूरी है. N-3 is nitrido, N-3 is nitrido, CO3-2 is carbonato, OH- is hydroxo, Cl- is cyanido, NO3- is nitrato. नाइट्रेट है, वैसे तो नाइट्रेट होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका नाम नाइट्रेटो. NH2- इज अमीडो, NH-2 इज इमीडो. देर आर मेनी मोर. जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनके अलावा भी हम पढ़ेंगे. न्यूट्रल यूनिडेंटेट की बात करें, चार्ज विल ऑलवेज जीरो. नाम देखें लाइगेंड्स के क्या क्या होंगे, चार्ज तो जीरो ही रहेगा. वाटर का नाम एक्वा, CO दोनों कैपिटल है, कार्बोनाइल, NH3 इज अमाइन, NO इज नाइट्रोसाइल. नाउ नेगेटिवली चार्ज बाइडेंटेट, C2O4-2 इज ऑक्सलेटो, ऑक्सलिक एसिड से बना है. इसका स्ट्रक्चर यू भी लिख सकते हैं, C(OO-C(OO-). S2O3-2 इज थायोसल्फेटो. न्यूट्रल बाइडेंटेट का एग्जांपल देखें, मतलब चार्ज भी नहीं है और दो लोन पेयर का डोनेशन करेगा. यहां डोनेशन कहां होगा ऑक्सलेटो में, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से. इथाइलीन डायमाइन न्यूट्रल है और दो लोन पेयर का डोनेशन करता है, इसलिए बाइडेंटेट. कहां से होंगे दो लोन पेयर डोनेट, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हमें लोन पेयर. क्योंकि नाम भी बड़ा है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्सेस में लिखना मुश्किल है, तो शॉर्ट में बोला गया EN, EN, इथाइलीन डायमाइन. इस वीडियो को जरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. In next video, we will see how to write the name of the inorganic compounds.
there are separate rules given for by IUPAC and we will learn that and subscribe it. Thank you.